दिल्ली में लॉकडाउन के 16वें दिन दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली सरिता विहार कालिंदी कुंज रोड पर पुलिस की नाकेबंदी जारी है। लॉकडाउन का जायजा लिया हमारे संवाददाता अवैध सुषमा। प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी लॉकडाउन के दौरान अप्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए गृह मंत्रालय के आदेश, आपके क्षेत्र में फंसे लोगों के लिए अस्थायी भोजन और आश्रम की आश्रय की व्यवस्था राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी। देश भर में 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है और उसके बावजूद भी कोरोना के मामलों में अभी तक कमी नहीं है। हालांकि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं और अपने अपने राज्यों की सीमाओं को सील कर रखा है। इस वक्त हम दिल्ली के सरिता विहार से नोएडा और फरीदाबाद को जोड़ने वाले हाईवे पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि जो नोएडा से गाड़ियां आ रही हैं वहां पे भी बैरिकेड्स लगे हुए हैं और लगातार पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। इसके अलावा जो नोएडा से गाड़ियां दिल्ली में प्रवेश कर रही हैं उनकी भी सघन चेकिंग की जा रही है। एक एक गाड़ी से आई कार्ड और पास जो है देखने के बाद ही उनको दिल्ली में प्रवेश की इजाजत। देख सकते हैं कि आप यहाँ पे पुलिस के जवान मौजूद हैं और वो लगातार एक एक व्यक्ति जो भी गाड़ी यहाँ से जा रही है, चाहे वो पैदल हो चाहे बाइक से जा रहा हो, उसको रोक रहे हैं और उसके आई कार्ड जो हैं वो चेक कर रहे हैं। उसके बाद ही उनको दिल्ली में प्रवेश की इजाज़त दी जा रही है। पूरी तरह से पुलिस भी जो है वो सतर्क है और कोरोना से बचने के जो उपाय बताए जा रहे हैं उनको पूरी तरह से पालन कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे गृह मंत्रालय की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका भी लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है और ताकि पब्लिक जो यहाँ से गुजर रही है उसको गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बारे में पता चल सके। कैमरा पर्सन डीके के साथ अवैध समझमानी, भारत समाचार, दिल्ली।